ये 6 संकेत बताते हैं कि आपका फोन और बैंक अकाउंट हो चुका है हैक। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके डिवाइस में ये 6 साइन आ रहे हैं तो हो सकता है आपका डिवाइस जो है वो हैक हो चुका हो। आजकल ऑनलाइन दुनिया में कोई भी खतरे से खाली नहीं है, आए दिन डाटा लीक हो रहा है तो कई बार फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप को भी हैकर्स हैक कर ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर हैक हो गया है या नहीं। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं ऐसे ही 6 साइन के बारे में। शॉपिंग के मैसेज। फोन के हैक हो जाने का सबसे बड़ा साइन यह है कि आपके पास ट्रांजैक्शन के मैसेज मिलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन प्रोडक्ट्स के मैसेज आपको मिलने लगते हैं जिन्हें आपने कभी खरीदा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डिटेल किसी के हाथ लग गया है। पेमेंट डिटेल्स की जानकारी हैकर्स को आपकी शॉपिंग साइट से मिलती है या फिर आपके फोन और ईमेल के माध्यम से। फोन और कंप्यूटर का अचानक से स्लो हो जाना। अगर आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर हद से ज्यादा स्लो चल रहा है तो सावधान हो जाएं। कई बार हैकर्स आपके सिस्टम का इस्तेमाल बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड अच्छी होने के बाद भी फोन पर वीडियो स्लो चल रहा है तो सावधान हो जाएं। एंटीवायरस का अचानक से बंद हो जाना या क्रैश हो जाना। हैकर्स कई बार एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं। अगर आपको जरा भी संदेह होता है कि आपका एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है तो फौरन अपना इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दें और अपने पीसी या लैपटॉप को तभी कनेक्ट करें इंटरनेट से जब आपका एंटीवायरस जो है वो सही तरीके से काम करने लगे। अपने आप क्रोम में एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल हो जाना। अपना ब्राउजर हमेशा चेक करते रहें क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्राउजर में कोई एक्सटेंशन पड़ा हो और वह आपकी जासूसी कर रहा हो। कई बार कुछ एक्सटेंशन या सॉफ्टवेयर किसी वेबसाइट के जरिए सिस्टम में आ जाते हैं और इनके जरिए हैकर्स आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कंप्यूटर या फोन की सेटिंग्स अचानक से चेंज हो जाना। अगर आपको लगता है कि आपके फोन या कंप्यूटर की सेटिंग अपने आप बदल रही है तो अलर्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि हैकर्स आपके सिस्टम में पहुंच चुके हैं और अब वो आपके फोन के साथ या फिर आपके डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डाउनलोड फाइल चेक करें या फिर फोन को तुरंत फॉर्मेट करें। अपने आप सिस्टम का बंद हो जाना और रिस्टार्ट होना। और एक संकेत यह भी है कि अगर आपका सिस्टम लगातार अपने आप बंद हो रहा है या फिर रिस्टार्ट हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो हैक हो चुका है। तो दोस्तों, ये वो तरीका है जिसके मदद से आप हैकर्स के नजर से बचकर रह सकते हैं जो मैंने आपको बातें बताई। अगर लगता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो मेरे साथ हुआ है तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और उस चीज को तुरंत बदल दें, नहीं तो हैकर्स जो है वो आपका डाटा को लीक करते रहेंगे और उससे पैसा कमाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन बातों को जान सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।